स्टूडेंट्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैंने आपको प्रत्यय से रिलेटेड पूरा जो भी टॉपिक है वो पूरा आपको प्रोवाइड करवा दिया है। इससे पहले के जो वीडियोस हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जा करके देखें, और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम यहाँ रेगुलर स्टडी करते हैं, मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो सके, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और जो वीडियोस हैं प्लीज़ आप उन्हें पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार हैं वो लिखें। और देखिए, ये हिंदी से रिलेटेड मैटर चल रहा है, और मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश के कैंडिडेट हूँ, मैं आपको हिंदी पढ़ा नहीं रही हूँ। बस मकसद ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उनके अंदर जो मैटर दिया हुआ है उसको हम एक बार देख लें। मैं आपको नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहले चलती थी लेकिन अभी बंद कर दी है वो बुक, एक तो वो बुक, और इसके अलावा हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध वाली जो अभी लेटेस्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो बुक चलती है वो, इन दोनों का जो मैटर है हिंदी का, हमारे जितने सिलेबस में जो भी टॉपिक लगते हैं उनको मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पर हिंदी, बस उस मैटर को आपकी आंखों के आगे से निकालना है एक बार, क्योंकि इसमें से सीधे ही जो है क्वेश्चन कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर बनता है रीट, उसके अंदर देखे गए हैं। तो देखिए, मैं आपको जो है प्रत्यय से रिलेटेड पूरा मैटर प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी जा करके देखें, बहुत ही काम का मैटर है, बार बार देखें 3-4 बार ताकि आपको वो जो है क्वेश्चंस जो है लर्न होने लग जाएं। और देखिए, इसके अलावा जो मैं आज लेकर के आई हूँ वो अभ्यास प्रश्न है। ये अभ्यास प्रश्न जो है वो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना के अंतर्गत जो दिए गए थे अभ्यास प्रश्न वो हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध है उसकी प्रैक्टिस भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुराण में इक प्रत्यय लगाने पर सही शब्द रूप होगा। तो देखिए, ये प्रैक्टिस है जो पीछे दिए गई है, और आपको काफ़ी देखते ही पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम्स में देखे गए हैं। बस यही, इसी वजह से हम यहाँ पर जो है ये प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पौराणिक जो है इसका सही रूप होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, पौराणिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, भुलक्कड़ में अक्कड़ सही है, ठकुराइन में ठाकुर के साथ आइन ठकुराइन सही है, ग में स्वाभाविक के साथ स्वभाव के साथ एक सही है, लेकिन जो ये घ है भिखारी, ये अपने आप में पूर्ण शब्द है। देखिए, इस तरीके का कोई प्रत्यय नहीं होता, आरी कोई प्रत्यय नहीं है, तो जो भिखारी है ये अपने आप में पूर्ण शब्द है, तो जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा घ, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सा प्रयोग जो है वो सही नहीं हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर के देखें, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। कृदंत प्रत्यय में जो है क्रिया जो है उसमें आपका जो प्रत्यय है वो लगा करके रूप बनता है, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो होता है उसमें संज्ञा सर्वनाम में विशेषण में जो प्रत्यय है वो जुड़ करके जो है शब्द बनता है। तो देखिए, कृदंत जो प्रत्यय है उसमें क्रिया के अंतर्गत, क्रिया के अंदर जो प्रत्यय लगा करके रूप बनाया जाता है वह लिया जाता है। और यहाँ पर जो चढ़ाई शब्द है वो चढ़ना, देखिए चढ़ना अपने आप में एक क्रिया है, उसमें आई जो है वो प्रत्यय लगा है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो चढ़ाई हो जाएगा। जो सफाई है वो संज्ञा है, ऊंचाई भी जो है वो संज्ञा है, मिठाई भी आपको पता है, सॉरी ऊंचाई जो है वो विशेषण है, सफाई संज्ञा है, और जो मिठाई है उसमें मीठा जो है वो विशेषण है। तो देखिए, ये सब तो जो है तद्धित प्रत्यय के ऑप्शंस हुए, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा, चढ़ाई। देखिए, यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, अब ये शब्द नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, सौंदर्य जो है उसमें भी यह प्रत्यय है, और औदार्य जो है उसमें यह प्रत्यय है, आदित्य में यह प्रत्यय है, लेकिन जो भारतीय है उसमें इय प्रत्यय है, यानी कि जो भारतीय है उसमें भारत प्लस इय करके भारतीय बना है, तो जो आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा, भारतीय। किन में इन्हीं प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, हंसिनी में हंस के साथ हंसिनी, हाथी के साथ इन्हीं लगा दिया है तो हथिनी। देखिए, ये जो भिखारिनी, अब ये जो भिखारिनी है ये गलत रूप है, भिखारिन होता है ना कि भिखारिनी, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही प्रयोग नहीं हुआ है वह पूछ रहा है, और क्योंकि सरोजनी में सरोज के साथ इन्हीं लगा दिया है तो सरोजनी हो गया है, तो जो आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, भिखारिनी।
तो देखिए प्रत्यय किसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यय किसे कहते हैं, वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने आपको जब जो प्रत्यय से रिलेटेड जो कृदंत प्रत्यय वाला जो पोर्शन डाला हुआ है, मैंने हिंदी के प्रत्यय जो है बेसिकली आपको समझाए हैं, डाला मैंने सारा ही है, संस्कृत के प्रत्यय भी डाले हैं और उर्दू के भी डाले हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपके लिए हिंदी के प्रत्यय में की है, यानी कि कृदंत और तद्धित प्रत्यय, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। तो उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय वह शब्द है जो कि पीछे जुड़ करके जो है शब्द का रूप बदल देता है और इसके अंदर संधि नहीं पाई जाती, वो प्रत्यय होता है। आपको प्रत्यय और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द नहीं होते पूरे, वो एक शब्दांश होते हैं। इसके अलावा जो है प्रत्यय जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको उसमें बता दिया था उस वाले वीडियो में, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और इसके अलावा उर्दू के प्रत्यय, जिन्हें अन्य भाषा के प्रत्यय कहा जाता है। और आपको पता है कि जो संस्कृत के प्रत्यय हैं वो मैंने सेपरेट, संस्कृत और उर्दू के जो प्रत्यय हैं वो मैंने सेपरेट वीडियो में डाल दिए हैं, वो आप जो भी मेरे नए जुड़े हुए फ्रेंड्स हैं वो जाकर के देख लें उन वीडियोस को। देखिए इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, व्यवहारिक, वाल्मीकि, माधुर्य, वैयक्तिक, ऐतिहासिक, वैदिक, भौतिक, कौंतेय, कलूटा, चचेरा, पियक्कड़, चुहिया, रनिवास, लड़कपन, मुनशाइन और लोहार। देखिए ये इस तरीके के जो शब्द दिए गए हैं इनको मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करा है, अगर कोई करेक्शन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, मैंने आपको बता दिया है मैं इंग्लिश के कैंडिडेट हूँ, हिंदी इतना अच्छे से मुझे नहीं आती है, तो हो सकता है कि इनमें कोई करेक्शन हो तो प्लीज़ मैं आप स्वागत करती हूँ अगर आप उस करेक्शन को मेरे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो। देखिए व्यवहारिक जो है उसमें व्यवहार प्लस इक करके व्यवहारिक बनाया गया है, वाल्मीकि में देखिए वाल्मीक प्लस ई जो है वो वाल्मीकि है, मधुर्य में है मधुर प्लस य है तो ये माधुर्य हो गया, सॉरी ये माधुर्य है शब्द, इसमें मधुर प्लस य हो गया। वैयक्तिक जो है इसमें व्यक्ति प्लस इक हो गया, ऐतिहासिक में इतिहास प्लस इक हो गया, वैदिक जो है इसमें वेद प्लस इक हो गया, भौतिक में भूत प्लस इक हो गया, कौंतेय में कुंती प्लस ए हो गया, कलूटा में काला प्लस ऊटा हो गया, चचेरा में चाचा प्लस एरा हो गया, पियक्कड़ में पी प्लस अक्कड़ हो गया, चुहिया में चूहा प्लस इया, रनिवास में रानी प्लस वास, लड़कपन में लड़का प्लस पन, मुनशाइन में मुंशी प्लस आइन, लोहार में लोह प्लस आर। तो देखिए जो लोहार जो शब्द है इसमें लोहा आएगा या लोह आएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, इससे मेरे अकॉर्डिंग ये लोह प्लस आर होता है और आपके अकॉर्डिंग क्या होता है ये बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। देखिए ये जो अभ्यास प्रश्न थे ये नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना के अभ्यास प्रश्न हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी मैं सॉल्व करवा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।